हाय एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। वेयर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन कोबरा करीम के बारे में होगी, जो कि स्पेशली मर्दों के लिए ये करीम इस्तेमाल की जाती है। और हाँ, वो मर्द जिनका एंड्रॉय तनासल ढीलापन और स्ट्रिक्ट नहीं होता और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो उन मर्दों के लिए ये करीम इस्तेमाल करना इंतहाई बेहतरीन है। वेयर्स, डिटेल में जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेडिसिन से रिलेटिव आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेयर्स, अब मज़ीद तफसील से जानते हैं इस करीम के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन सूरतों में इस करीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर्स, कोबरा करीम खुशबूदार लम्हात के लिए ओलिन पसंद है। इसके इस्तेमाल से बेपनाह मर्दाना कुव्वत हासिल होती है। वेयर्स, ये ना सिर्फ फौरी इंजाल को रोकती है बल्कि तोयल तरीन दुरानियाँ हासिल करने में भी अपनी मिसाल आप हैं। वेयर्स, ये करीम रेक्टल की कुछ खराबियों में इस्तेमाल की जाती हैं। वेयर्स, रेक्टल उसे कहते हैं अगर मर्दों में उनका एज़ोए तनासल स्ट्रिक नहीं हो रहा, यानी एज़ोए तनासल सीधा नहीं हो पा रहा, तो इस करीम के इस्तेमाल से आपके एज़ोए तनासल में वो पावर आ जाएगी जिससे मर्द हजरात का एज़ोए तनासल स्ट्रिक हो जाएगा, बिल्कुल इस केले की तरह। और वेवर्स, ये करीम जिनसी वहशात को बढ़ा देती है और आपकी हेल्प करती है सिक्स करने में। तो वेवर्स, ये थे इस करीम के फ़ायदे। और वेवर्स, ये करीम 100 मौसमियात में शुमार की जाती है जिसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं कि कैसे इस करीम का इस्तेमाल करना है। वेवर्स, शाबत से 30 मिनट पहले इस्तेमाल करें। 1 इंच की मकदार करीम को दबा कर निकाल लें और पूरे एज़ोए मखसूस पर हल्की सी तह का लेप कर लें और मसाज ना करें। हाँ वेवर्स, इस करीम के इस्तेमाल से मर्दाना टाइमिंग में 45 मिनट से 65 मिनट का इजाफा हो जाता है। और हाँ वेवर्स, इस कोबरा करीम के कोई ज़हनी असरात नहीं है। तो वेवर्स, ये थे इस करीम के इस्तेमाल और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। वेवर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।